हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। क्या दोस्तों, आप भी चाहते हैं अपनी फेसबुक स्टोरी को डाउनलोड करना, वो भी म्यूजिक के साथ, सॉन्ग के साथ, अपनी या फिर अपने किसी फ्रेंड की? करना चाह रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखें। आज की इस वीडियो में बिल्कुल लाइव प्रूफ मैं आपके लिए करके दिखाऊंगा, इनमें से आप किसी की भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी करना चाहते हैं वो भी म्यूजिक के साथ, ठीक है, अगर आप अपनी करना चाहते हैं म्यूजिक के साथ तो अपनी भी कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है दोस्तों। सिंपल सा तरीका है, आप हर किसी की कर पाओगे वो भी सॉन्ग के साथ, ठीक है, जिसकी आप चाह रहे हैं उसकी भी कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो के लिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैंने अपनी गैलरी में डाउनलोड भी की है कुछ, तो मैं आपके लिए दिखा दूं, वरना आप सोचेंगे कि ये वीडियो मतलब ऐसी बना रहा हूं, फेक वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए दिखाई देता हूं, उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे कि मैंने अभी अपनी गैलरी में कुछ डाउनलोड किए हैं, उनमें सॉन्ग आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और आप इसका सॉन्ग सुन सकते हैं, ठीक है। ये मेरे फ्रेंड की है और यहाँ पर मैं अपनी दिखा दूँ, ये मेरी है, ठीक है। तो जैसा भी आप देख सकते हैं इसका सॉन्ग सुन सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देख ली, मैंने अपनी और अपने फ्रेंड की करके दिखा दिया, मतलब गैलरी में दिखा दिया मैंने कैसे ये सेव की थी अपनी गैलरी में, वो भी सॉन्ग के साथ। तो इस वीडियो को आप एंटर देखें, आप वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि इस तरह की मजेदार वीडियो इस चैनल पर देखने के लिए आपके लिए मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपके लिए करना है अपना फेसबुक है, इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। तो मैंने अपना फेसबुक है इसे ओपन कर लिया। इसे ओपन करने के बाद आपके लिए अपनी स्टोरी पहले क्लिक करके, मतलब अपनी स्टोरी पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने इसका सॉन्ग अभी बंद कर दिया, ठीक है, क्यों कॉपीराइट क्लेम आ सकता है मुझे। उसके बाद आप लिए करना है दोस्तों, यहाँ पे आप लिए स्टोरी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइड में थ्री डॉट देखने मिलेंगे, ये वाले थ्री डॉट, ठीक है। तो आप लिए थ्री डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पे कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिलेगा कि आप अपनी स्टोरी के लिए सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपनी गैलरी में, ठीक है, वो भी सॉन्ग के साथ। यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और अपने दोस्त के भी जाओगे यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो ना ही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारे लिए क्या करना है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आपके लिए कुछ भी नहीं करना है। तो आप यहाँ से बैक आ जाना है, ठीक है, हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अब आपके लिए करना है अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम ब्राउजर के लिए ओपन करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। उसके बाद आपके लिए सर्च करना है फेसबुक, ठीक है, facebook.com, ठीक है, या facebook.com लॉगिन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद आपके यहाँ पे देख मिलेगा यहाँ पे ये, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, सबसे ऊपर फर्स्ट में वेबसाइट आ रही है, इस पर क्लिक करें। उसके बाद तो वही आपकी जो फेसबुक आईडी होगी, पहले ऐप में लॉगिन होगी तो आपकी यहाँ पे गूगल में ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं फेसबुक मेरे यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर में लॉगिन हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लिए करना है जिस किसी की स्टोरी आप सेव करना चाहते हैं अपनी गैलरी में, वो भी म्यूजिक के साथ, तो आप लिए सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपके लिए करना उस स्टोरी पर क्लिक करना है एक बार। उस स्टोरी पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ देख मिलेगा ये प्ले वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आप लिए करना दोस्तों इस प्ले वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है, और इसका म्यूजिक भी आप सुन सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ बंद कर देता हूँ। उस प्ले करने के बाद आपके लिए ये काम करना है, फिर आपके लिए यहाँ पे इसी स्टोरी के ऊपर, ठीक है, इसके फेस के ऊपर आपके लिए उंगली लगाना है। उसके बाद आपके यहाँ एक ऑप्शन देखने मिलेगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं डाउनलोड वीडियो का, ठीक है। तो आप लिए ना सिंपल सा तरीका है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे नोटिफिकेशन आ जाएगा डाउनलोड फाइल डिटेल्स, ठीक है। तो आप लिए जिस किसी की स्टोरी को अपनी गैलरी में सेव करना है म्यूजिक के साथ, तो आप लिए सेम यही प्रोसेस करना है उसके, मतलब सबसे पहले उस स्टोरी को प्ले करना है, उसके बाद आप लिए उस पर उंगली लगाना है। लगाने के बाद डाउनलोड वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा निकल के, वहाँ से आपकी गैलरी में मतलब डाउनलोड हो जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। अब मैं आपके लिए अपनी गैलरी में जाकर दिखा दूँ, मैंने यहाँ पर ये डाउनलोड किए बिल्कुल आपके सामने, बिल्कुल लाइव प्रूफ यहाँ पर किए, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम प्ले कर देते हैं इसे, ठीक है। प्ले करने के बाद हम इसका म्यूजिक सुना दें आपके लिए, ठीक है, आप यहाँ म्यूजिक सुन सकते हैं। तो हमारी गैलरी में ये सेव हो चुकी है म्यूजिक के साथ, सॉन्ग के साथ सेव हुई है, ठीक है। तो दोस्तों आप इस तरह से बिना किसी ऐप डाउनलोड किए, ठीक है दोस्तों, अपने या अपनी किसी फ्रेंड की स्टोरी को डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी गैलरी में, वो भी सॉन्ग के साथ, तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह मजेदार वीडियो इस चैनल पर देखने के लिए मिलती रहती है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।